गाइस हाय, और वॉचमैन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है अभी, क्यों इट्स दी बेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर मेड टिल टुडे, मैंने कहा मेरे ओपिनियंस, स्टोरी टेलिंग के बारे में कहा, फिर उसके बाद में यूफोरिया के बारे में कहा, द बॉय ने कहा, और रिविजन किया कुछ प्रीवियस टॉपिक्स जो मैंने कहे थे, डिप्रेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बुक रीडिंग से रिलेटेड, ब्रेन प्लास्टिसिटी से रिलेटेड, जो कुछ रिसेंटली अच्छी मूवीज आई उनकी कैटेगराइजेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कहा, वेब सीरीज के बारे में कहा, जो कुछ मैंने प्रीवियसली देखी है, जो कोई मैं वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वेट कर रहा हूँ उनके बारे में, अभी नेक्स्ट बात करेंगे जो रिसेंटली आई हुई वॉचमैन सीजन वन, वॉचमैन मूवी के बाद में वॉचमैन सीजन वन एपिसोड वन के बारे में बात करेंगे, जो मेरे कंप्लेंट्स हैं मैं उनको बोलूँगा, स्टोरी जैसे जैसे रिवील होती जाएगी वो हमें पता चलती जाएगी। फर्स्ट कंप्लेंट, रोशक को इसमें निगेटिव दिखाया गया है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई नो उसका जो कैरेक्टर वॉचमैन मूवी में है वो एक्सट्रीम कैरेक्टर है, वो बोलता है कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, अगर ये आर्मेगेडन भी है तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, ऐसा उसका डायलॉग है। फिर उसका जो कैरेक्टर है उसमें बताया गया है, वो बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चीज़ें हो रही है वो नेचर ने नहीं की है, वो चीज़ें अर्थ के कोई प्लांट ने नहीं की है, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ ने कोई भी अर्थ के ऊपर प्रॉब्लम नहीं किया है, जो कुछ चीज़ें हैं वो मैन मेड है, मैन ने किया है, सिचुएशन क्रिएट किए, चाहे वो क्राइम्स रहने दो, चाहे वो रेप रहने दो, चाहे जो कुछ हम क्राइम वगैरह सारी की सारी चीज़ें हम आउटसाइड में देखते हैं वो सारी की सारी, और उसी की वजह से उसके अब्यूसिव चाइल्डहुड की वजह से उसके बाद के क्या बोलेंगे उसको यंग एज के एक्सपीरियंस के बाद में क्रिमिनल्स जो कुछ चीज़ें करते हैं जिनका कुछ लिमिट नहीं है उसके बारे में वो चीज़ें देखने के बाद उस तरह से बन जाता है, रोशक के कैरेक्टर बन जाता है डेंजरस सुपर हीरो का जो कैरेक्टर बनता है वो बन जाता है। बट जो वॉचमैन सीजन वन एपिसोड वन में दिखाया गया, उन्होंने दिखाया है उसके ऊपर सेवन कैवलरी का उसका जो बुक रहता है, रोशक का जर्नल रहता है, वो वॉचमैन मूवी में वो आगे फॉरवर्ड दे देता है, डेथ हो जाती है रोशक की, लेकिन उसको जो कैरी फॉरवर्ड किया गया है वॉचमैन वेब सीरीज सीजन वन में कि उसको एक्सट्रीम राइट विंगर दिखाया गया है, उसको उसका जो फॉलोअर करने वाले सेवल कैवलरी बोल के जो ग्रुप दिखाया गया वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, आर्ममैन्स को मार रहे हैं, कुछ एक्सट्रीम डार्क निगेटिव साइड दिखाई गई है रोशक के कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट, रोशक के कैरेक्टर टोटली डिफरेंट था वॉचमैन मूवी में, ये क्यों इस तरह से वॉचमैन सीजन वन में दिखाया गया आई डिड नॉट अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में ओजा मेंडिस का के जो कैरेक्टर हैं जो 1865 के वॉचमैन मूवी के स्टोरी लाइन के टाइम का है, वो अभी 2019 में बुढ़ा हो चुका है, बट ही इज़ द स्मार्टेस्ट मैन ऑन द प्लानट अर्थ, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, इट्स ओके, इट्स नॉट अ इशू। जो नाइट सिस्टर का जो कैरेक्टर दिखाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया वॉचमैन सीजन वन में, आई लाइक दैट कैरेक्टर, नो डाउट अबाउट दैट। देन कम्स स्टोरी प्लॉट वगैरह सारी की सारी चीज़ें चल रही, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ही लगा मुझे एपिसोड वन, सीजन वन वॉचमैन का एपिसोड वन मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा, बहुत सारी चीज़ें जाननी है। फिर उसके बाद स्पीड की जो रेन होती है, आई गेस होजा मेंडिस की है कि वॉचमैन एंड में वो इस तरह से प्लान करते हैं वो लोग सुपर हीरोज़ की, अगर वर्ल्ड को यूनाइट करना है तो सुपर हीरोज़ को बीच में लड़ा के या फिर कंट्रीज़ को बीच में लड़ा के कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ऐसा कॉमन एनिमी दे दो पूरे के पूरे वर्ल्ड को, कॉमन एनिमी मीन्स एलियंस दे दो कि जिस वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उन एलियंस के अगेंस्ट यूनाइट हो जाए। तो उसके लिए आई गेस ओजा मेंडिस ने कुछ जायंट स्क्विड बनाई है, उसकी स्क्विड की बारिश हो रही है, उसका कुछ रेफरेंसेस में है, इसमें मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग स्कार्फ पहन के मास्क पहन के काम कर रहे हैं, एज इन हर कोई हर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डार्क थीम है, ओके आई एम ओके विद ऑल दोज थिंग्स, बट एक ही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं आई और वो है रोशक के कैरेक्टर को इसमें निगेटिव दिखाया गया है, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता एंड आई डिड नॉट लाइक द अबाउट दिस सीरीज। डॉक्टर मैनहट्टन का कैरेक्टर आगे आने वाला है 101%, वो पृथ्वी छोड़ चुके हैं, लोगों से उब चुके हैं, पूरी तरह से कंटाल चुके हैं, वो पृथ्वी छोड़ चुके हैं, वॉचमैन के मूवी में भी हमने देखा तो वो मार्स पे जाके रह रहे हैं, एंड या दैट्स कैरेक्टर डेवलपमेंट टिल डेट इन वॉचमैन सीजन वन एपिसोड वन। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग,
रोशक के कैरेक्टर को एक्सट्रीम राइट विंगर दिखाया गया है, एक्सट्रीम निगेटिव दिखाया है, एंड आई डिड नॉट लाइक इट. लेट्स वेट एंड वॉच वॉट कम्स नेक्स्ट. प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वॉट यू थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड या वट आर योर व्यूज, वट आर योर व्यूज अबाउट वॉचमैन मूवी एंड सीजन 1. प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पीस.